इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे अगर आप हमारी वीडियोज लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना और समझना आसानी से आने लगेगा इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू द सुपरस्टिश ब्राह्मण अंधविश्वासी ब्राह्मण सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास और सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी बोधिसत्व वॉज वंश बॉर्न वंस बॉर्न एक बार बोधिसत्व का जन्म हुआ एज अ ब्राह्मण एज अ ब्राह्मण एक ब्राह्मण के रूप में एंड लिव्ड एंड लिव्ड और रहता था इन द हिमावंता फॉरेस्ट इन द हिमावंता फॉरेस्ट हिमावंत जंगल में और वो हिमावंत जंगल में रहता था यहां पर हम फॉरेस्ट को वन भी कह सकते हैं कि वो हिमावंत वन में रहता था वन डे वन डे एक दिन ही वेंट ही वेंट वह गया टू द किंग्स पैलेस टू द किंग्स पैलेस राजा के महल किंग्स का मतलब है राजा के पैलेस महल and was invited and was invited और उसे आमंत्रित किया गया to stay to stay ठहरने के लिए in the royal park in the royal पार्क शाही बागीचे में रॉयल का मतलब है शाही पार्क बागीचा देअर वहां पर ही सौ ही सौ उसने देखा अ ब्राह्मण अहमिन एक ब्राह्मण को स्लीपिंग अंडर अ ट्री स्लीपिंग अंडर ट्री एक पेड़ के नीचे सोते हुए स्लीपिंग का मतलब है सोते हुए अंडर अ ट्री एक पेड़ के सडनली सडनली अचानक ही द ब्राह्मिन अवोक द ब्राह्मण अवोक वो ब्राह्मण जागा अवोक अवेक का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है जागना ये अवोक है तो वो जागा एंड टूक ऑफ एंड टूक ऑफ और निकाल दिया हिज शॉल हिज शॉल अपने शॉल को ओह नो ओह नो अरे नहीं माई शॉल हैज बीन नॉड माई शॉल मेरी शॉल हैज बीन नॉड कुतर दी गई है नो का मतलब होता है कुतरना नॉड है तो कुतर दी गई है बाई रेट्स बाई रेट्स चूहों द्वारा आई एम श्योर आई एम श्योर मैं निश्चित हूं या फिर मुझे पूरा विश्वास है आई आई एम का शॉर्ट फॉर्म है दिस इज दिस इज यह है एन इंडिकेशन एन इंडिकेशन एक इशारा ऑफ सम एविल ओमेन ऑफ सम एविल ओमेन किसी अनहोनी का एविल अमेन का मतलब यहां पर है अनहोनी यह इशारा है किसी बुरी अनहोनी का नीड टू गेट रीड ऑफ दिस रेड बिटेन शॉल नीड जरूरत है टू गेट रीड ऑफ छुटकारा पाने की देश रैट बिटेन इस चूहे द्वारा काटी गई शॉल शॉल से जरूरत है इस चूहे द्वारा काटी गई शॉल से छुटकारा पाने की शाउटेड द ब्राह्मिन शाउटेड द्रह्मिन ब्राह्मिन चिल्लाया एंड कॉल्ड एंड कॉल्ड और पुकारा हिज सन हिज सन अपने बेटे को थ्रो दिस शॉल अवे थ्रो दिस शॉल अवे इस शॉल को फेंक दो थ्रू अवे का मतलब है फेंक दो दिस शॉल इस शॉल को इन द रिवर इन द रिवर नदी में टू अवॉइड एनी डिजेस्टर टू अवॉइड बचने के लिए एनी डिजेस्टर किसी भी आपदा से डिजेस्टर का मतलब है आपदा एनी किसी भी टू अवॉइड बचने के लिए सेड द ब्राह्मिन सेड द ब्राह्मिन उस ब्राह्मण ने कहा थ्रोइंग द शॉल थ्रोइंग द शॉल शॉल को फेंकते हुए एट हिज सन एट हिज सन अपने बेटे की तरफ द शॉल वेंट द शॉल वेंट वह शॉल गई फ्लाइंग उड़ती हुई एंड और फेल गिर गई नियर द सत्व नियर द बोधि सत्व बोधी सत्व के पास हु पिक्ड इट अप हु पिक्ड इट अप जिसने इसे उठा लिया एंड सेड एंड सेड और कहा लर्न मैन लर्न मैन ज्ञानी व्यक्ति दिस शॉल दिस शॉल इस शॉल ने होल्ड्स नो एविल अमेन होल्ड नो एविल अमेन कोई भी अनहोरी नहीं है इस शॉल में कोई भी अनहोनी नहीं है द रैट्स माइट हैव बीन लुकिंग द रैट्स चूहे माइट हैव बीन लुकिंग चूहे ढूंढ रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे फॉर फूड फॉर फूड खाने को चूहे खाना ढूंढ रहे होंगे या फिर खाने को ढूंढ रहे होंगे एंड और जस्ट नॉड योर शॉल जस्ट नॉड योर शॉल और तुम्हारे शॉल को कुतर दिया होगा नो वाइज मैन नो वाइज मैन कोई भी समझदार आदमी शुड बिलीव शुड बिलीव विश्वास नहीं करना चाहिए किसी भी समझदार आदमी को विश्वास नहीं करना चाहिए इन अमेंट्स इन अमेंट्स अनहोनी में या फिर होनी में किसी भी तरह की अनहोनी या फिर होनी में किसी समझदार आदमी को विश्वास नहीं करना चाहिए बट लेकिन द सुपरस्टिशियस ब्राह्मण द सुपर स्टिशियस ब्रह्मिन लेकिन वह अंधविश्वासी ब्राह्मण वॉज नॉट कन्विंस्ड वॉज नॉट कन्विंस्ड कन्विंस्ड नहीं हुआ या फिर नहीं माना and handed the shawl and handed the shawl or shawl ko de diya to his son to his son apne bete ko who went who went jo gaya and threw it and threw इट और इसे फेंक दिया इन द रिवर इन द रिवर नदी में और इसे नदी में फेंक दिया उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसी तरह की वीडियोज़ के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को मित्र को परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में